अब सर आपने इस वाले एक्सरसाइज का 6 वाला पार्ट करने है, 6 वाला क्वेश्चन करना, उसके 3 पार्ट है। मैंने पहला पार्ट राइट किया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल, रिक्यूरिंग डेसिमल आपने एक फ्रैक्शन को डिवाइड किया है तो आंसर अनएम्प्टी आया है, उसका आंसर मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, तो वह रिक्यूरिंग डेसिमल या इसका दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। एज द रेशन नंबर, ये रेशन नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीग्रल एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कह रहा आपने इस फॉर्म में आंसर लाना है जी, पी ओवर क्यू रेशन नंबर। अब देखेंगे किस तरह आता है, तो आपने सोल्यूशन में स्टूडेंट पहले नंबर पर क्वेश्चन नंबर इसे लेट करना है एक्स, क्या लेट करना है एक्स 0.5 बार एटलेस किया। अब स्टूडेंट 0. ये बार जैसे विनकलम भी कहते हैं, या बार कह लेंगे विनकलम बार। अब 5 को आप इधर 4 दफ़ा राइट कर दें, 5 5 5, डेसिमल नंबर आपको पता ही है, 1 1 करके पढ़े जाते हैं 5 5 5 और सो ऑन, ये कंटिन्यू है, ये लिमिटेड नहीं है। तो आपकी ये बनी क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी क्वेश्चन बनी, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन बनानी है, दोबारा से देखें सेकंड क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है जी, 0.5 है तो पॉइंट का लगाया 1, तो 5 का 0 तो 10 आया। अब इस 10 को आपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, आपने लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 क्वेश्चन नंबर ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, क्वेश्चन नंबर 1 को आपने दोनों तरफ आपने क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इस तरह आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई एक्स, 10 मल्टीप्लाई 0.5555 कंटिन्यू। अब 10 एक्स आया, अब स्टूडेंट 10 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाना 5.5555 कंटिन्यू। ये आपके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सी है क्वेश्चन नंबर 2, 10x 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 5.55 कंटिन्यू चलते हैं। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, अब आपने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, अभी दोनों क्वेश्चन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरह, पहले फ्रॉम टू क्वेश्चन नंबर 2 है तो पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 2 करें, राइट करें, पहले लिखें 10x इज इक्वल टू 5.555 कंटिन्यू है। इस तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन राइट करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी ये है तो लिखें कि x इज इक्वल टू 0.5555 कंटिन्यू। अब फिर आपने करना है कि माइनस सब्ट्रैक्टिंग फ्राम टू, जब फ्राम के बाद जो क्वेश्चन आने वो पहले राइट कर दिए हैं और उस पर फर्स्ट वाली पहले। अब 10 में 1 माइनस का 9x, अब ये माइनस करोगे तो 5 आने, कैलकुलेटर से आप करें ये 9 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, ये 5 और 9 ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट।